हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और हाजिर हूँ फिर से एक नए स्किन केयर वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा खासा हैंडसम बनाया है, इतना सेक्सी डैशिंग बनाया है, फिर भी मैं यहाँ पर हैंडसम सेक्सी क्यों नहीं दिखता। मेरे बाल भी अच्छे हैं, मेरी फिजिक्स भी अच्छी है, मेरे अच्छे खासे लुक्स भी है, दाढ़ी भी अच्छी खासी आ रही है एंड यहाँ पर मैं अच्छा खासा स्टाइलिंग भी करता हूँ, बट मैं यहाँ पर अच्छा खासा हैंडसम क्यों नहीं लगता। और बहुत से लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं मेरे यहाँ पर पिंपल्स है, मेरे एक्ने है, मेरी पैची भी आ जाती है, मेरे यहाँ पर डार्क सर्कल है, मेरा मुंह टेढ़ा है, मेरा कान टेढ़ा है, मेरे दांत नहीं सही है, तो मैं हैंडसम कैसे दिखूंगा। सारे प्रॉब्लम्स का सारा सोल्यूशन बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हो, ये मेरी फोटो है जो मैंने खींची थी 2 से 3 साल पहले, और आप मेरी अब की फोटो देख सकते हो, ये फोटो है 2 से 3 हफ्तों के पहले। इतने सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन ये चेंजेस मैंने ज्यादा नहीं किए हैं, मैंने बस कुछ छोटी छोटी चीजें इंप्रूव की है जिसके साथ मैं यहाँ पर लगने लगा हूँ मोर हैंडसम एंड मोर सेक्सी। अब मैं चाहे बाल कैसे भी रखूं, दाढ़ी कैसे भी रखूं, फिजिक्स चाहे कैसे भी रखूं, कैसे भी स्टाइलिंग कर लूं, मैं यहाँ पर मोर हैंडसम एंड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा, इन 5 चीजों को अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी यहाँ पर इंप्रूव करते हो तो आप भी यहाँ पर डैशिंग, अमेजिंग, एकदम फैबुलस, सेक्सी, वाओ, सब कुछ देखने लगोगे। लेकिन ये 5 चीजें जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर फैशन से, स्किन केयर से, हेयर के रिलेटेड एंड या फिटनेस से रिलेटेड वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहेगी। और हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रखना चाहते हो तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 वो है स्किन केयर। अब बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे पिंपल्स हैं, मेरे दाढ़ी नहीं आ रही है, मेरे यहाँ पर डार्क सर्कल हैं, गड्ढे हैं, ये सब कुछ है, तो मैं हैंडसम कैसे दिखूंगा। और बात सही भी है कि अगर आपके स्किन पर ये सब है तो आप हैंडसम कैसे दिखोगे, इसका सारा सलूशन भी है। लेकिन सबसे पहला इसका यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो जान लेते हैं। अब आपके पिंपल्स, डार्क सर्कल, ये सब आखिर होते क्यों हैं? अगर पिंपल्स की बात करें तो यहाँ पर आप ज्यादा ऑयली कंज्यूम करते हो, ऑयली फूड ज्यादा प्रेफर करते हो, तो आपके यहाँ पर पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा फेस वॉश यूज करते हो, ज्यादा क्रीम अप्लाई करते हो अपने चेहरे पर, तब भी आपके यहाँ पर पिंपल्स निकलते हैं। अब बात करें डार्क सर्कल की, तो डार्क सर्कल निकलता है सिर्फ एक चीज से, वो है यहाँ पर ज्यादा मोबाइल यूज करने से। अगर आप रात भर ज्यादा मोबाइल, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन का जो लाइट है वो आपके चेहरे पर पड़ता है, तो आप रात भर अगर ज्यादा मोबाइल यूज करोगे तो आपके यहाँ पर डार्क सर्कल हो जाएंगे। और बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर मेरी पैची बियर्ड आती है, मैं बियर्ड में अच्छा नहीं दिखता हूँ, इसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर मोबाइल यूज करना कम कर दो। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्लीप लो, जितना ज्यादा आप अच्छी नींद लोगे आपका चेहरा उतना ही चमकेगा। और जितना ज्यादा हो सके आप ज्यादा वाटर कंज्यूम करो, आप मिनिमम यहाँ पर 4 लीटर वाटर डेली पियो। अगर यहाँ पर विंटर का भी मौसम है तो भी आप 3 लीटर वाटर यहाँ पर डेली कंज्यूम करो, फर्क आपको नजर आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो आप यहाँ पर ज्यादा ऑयली कंज्यूम करते हो इसको भी यहाँ पर बंद कर दो। हरी सब्जियां, प्रोटीन की चीजें ज्यादा खाओ, और जो हरी सब्जी वाली सब्जी आपके घर में बनती है उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो, दूध पियो, इससे भी आपके चेहरे पर अच्छी खासी चमक आएगी, आपका स्किन भी एकदम ग्लो हो जाएगा, आप भी दिखने लगोगे एकदम सेक्सी। तो मैं 5 टिप्स बताने वाला था इसके लिए, पहला टिप्स ये था। और जो दूसरा नंबर का टिप्स है दोस्तों, वो है यहाँ पर आपके आईब्रोज। अगर आपके आईब्रोज आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, थिकनेस ज्यादा है आपके आईब्रोज में, तो भैया ये मेजर कारण है कि आप हैंडसम सेक्सी नहीं लगते हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा यहाँ पर उनके आईब्रोज यहाँ पर मेल खाते हैं, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये भगवान की देन है, इससे यहाँ पर कर्म अच्छे हो जाते हैं। मुझे तो इन चीजों में विश्वास नहीं है। अगर आपके आईब्रोज ठीक हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, तो इनको आप रिमूव कर दो, थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे अपने आईब्रोज में, आपका यहाँ पर लुक निखर के आएगा। अब आईब्रोज हटाने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो आप नाई की दुकान पे जाते हो, वहां पर जो लेडीज यहाँ पर थ्रेडिंग करवाती हैं, आप थ्रेडिंग करवाकर बाल निकलवा सकते हो। और दूसरी चीज, आप घर में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक चिमटा लेना है जहाँ पर बाल निकालने काम आता है, आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, वहां से खरीद लो। और आपको यहाँ पर गर्म पानी इस जगह पर अप्लाई करना है और बालों को ऐसे ऐसे निकालना है, इससे आपको दर्द भी नहीं होगा और आसानी से आप अपने आईब्रोज सेट भी कर सकते हो। थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे आप अपने आईब्रोज में, आपका लुक्स तुरंत यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। टिप्स नंबर 3 दोस्तों, वो है यहाँ पर हेयर स्टाइल और बियर्ड। बहुत लोगों का कहना है कि मेरे हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा पतले हैं, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, मेरी पैची बियर्ड भी आती है, मेरे काले बाल नहीं है, इसका भी सोल्यूशन है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी भी प्रॉब्लम जान लेते हैं कि आखिर बाल आपके पतले क्यों होते हैं, बालों में या फिर आपके बियर्ड में थिकनेस क्यों नहीं रहती है, बाल आपके घने क्यों नहीं है।
इसका मेन रीजन है दोस्तों, सबसे मेन रीजन जो है वो यहाँ पर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो आपके बाल यहाँ पर हल्के शुरू हो जाएंगे और आपके बाल झड़ने भी लगेंगे। और इसका एक कारण भी हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ऑयल अपने बालों में लगाते हो और ज्यादा से ज्यादा शैम्पू का प्रयोग करते हो, जिसके आपके बाल धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने बालों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हो, इसलिए आपके बाल भी यहाँ पर झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके बाल भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। इसका एक सोल्यूशन जान लेते हैं। सबसे पहला तो भैया ऑयलिंग यहाँ पर कम कर दो। और अगर आप ऑयल लगाना चाहते हो तो हफ्ते में दो बार आप ऑयलिंग लगा सकते हो। और यहाँ पर आप अगर शैम्पू लगाते हो तो हफ्ते में दो बार शैम्पू और शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर यहाँ पर लगाओ। अगर बालों को घना और मजबूत करना चाहते हो तो मैं आपको होम थेरेपी बता रहा हूँ, उसको यूज करो। एक महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पर मार्केट में जाओ और एलोवेरा जेल ले आओ। एलोवेरा जेल आप पतंजलि का यूज कर सकते हो या फिर किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। और भी अच्छा होगा अगर आपको यहाँ पर नेचुरल एलोवेरा जेल मिल जाता है, उसमें आप नारियल का तेल मिलाकर हफ्ते में तीन बार इस बालों में जरूर से प्रयोग करें। आपके बाल एक महीने के अंदर काले, घने, मोटे, गॉर्जियस, सेक्सी, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने जो चीजें बताई है उसका आप एक महीने तक लगातार प्रयोग करो, फर्क आपको एक महीने के अंदर मिल जाएगा। तीन टिप्स मैंने बताई है जिससे आप मोर लुकिंग हैंडसम इंस्टेंटली लग सकते हो, जो आपको सेक्सी भी बना सकती है। अगर वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आप अगले पार्ट में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसको कमेंट जरूर कर देना। जो भी सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और चौथा जो मेन कारण है कि जिससे आप अगर करोगे तो आप फिर एकदम सेक्सी लगने लगोगे, वो है दोस्तों यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो भैया आप अपना हैंडसम या फिर डैशिंग कतई नहीं लग सकते। ये चौथा टिप्स आप यहाँ पर चेंज करो, आप भी एकदम सुंदर सेक्सी लगने लगोगे। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर कोई भी शर्ट उठाई, कोई भी पेंट उठाई, ऐसे डाल लिया, ऐसे यहाँ पर मोड़ लिया, कलर शेड कर लिया, बस हो गया ड्रेसिंग सेंस। नहीं दोस्तों, ये है ड्रेसिंग सेंस का असली मतलब नहीं है। आपको ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है कि आपके कपड़े जो है वो आपके कलर्स भी मैच होने चाहिए, आपके कपड़े एकदम फिट होने चाहिए, कि कोई सा लल्लू पंजू कपड़ा पहन लिया और यहाँ पर ड्रेसिंग होंगे नहीं। जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उस टाइप के कपड़े आप पहनो और ज्यादातर का प्रयोग करो कि आपके कपड़े एकदम से फिटिंग होने चाहिए। एकदम से फिटिंग नहीं होने चाहिए, अब तो विंटर आ रहा है, आपको यहाँ पर नीचे इनर का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर यह ट्राई करो कि जो भी कपड़े हो वो चाहे थोड़े से भी पुराने क्यों ना हो बट वो फिटिंग में आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर पतले हो तो उस टाइप के कपड़े पहनो, अगर आप वेल्थी हो तो उस टाइप के कपड़े पहनो, अगर आप लार्ज साइज के हो तो आप उस साइज के कपड़े पहनो। आपका ड्रेसिंग सेंस ही आपके लुक्स को निखारता है। उसी टाइप के पैंट पहनो कि लोवर में चल दिए, कोई सा भी आप छपरी वाला पैंट पहन लिया, कोई सा भी सैंडल पहन लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप सच में अपने लुक्स को निखारना चाहते हो तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करो। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं फुल ड्रेसिंग सेंस के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि अपने ड्रेसिंग सेंस को कैसे यहाँ पर सुधारें, ड्रेसिंग सेंस को चेंज करके आप यहाँ पर हैंडसम कैसे लगो। और पांचवा सबसे आखिरी दोस्तों, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि जाइए और किसी से भी बोल दीजिए मैं तुझसे नहीं डरता हूं, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ऊपर से चेहरे से झलक रही हो कि कॉन्फिडेंस, हाँ मैं सेक्सी हूँ, हाँ मैं यहाँ पर फिट हूँ, हाँ मैं यहाँ पर फैबुलस हूँ। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर झलकती है कि आप बहुत अंदर से बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हो। कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ पर जब जाते हो, आपने ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर लिया, आपने बाल सेट कर लिया, आपने स्किन केयर आपने अच्छा कर लिया, लेकिन आप जाते हो किसी से बात करते हो तो ऐसे खड़े होते हो, फिर ऐसे खड़े होते हो, ऐसे खड़े होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक मर्द, एक जो मर्द होता है उसकी तरह यहाँ पर खड़े हो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर से यहाँ पर उमड़ कर आनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भैया ये बंदा है जिसके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस है, कोई भी टास्क दूंगा तो कंप्लीट कर लेगा। जब भी आप किसी से बात करने जाओ तो यहाँ पर किसी से झचको मत, आराम से बात करो। एक जो अच्छा यहाँ पर बिहेवियर होता है उसके साथ बात करो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से झलक आनी चाहिए। और ऑब्वियसली बात है जब आप यहाँ पर अच्छे खासे स्टाइल में रहोगे, अच्छा खासा आपका आउटफिट रहेगा, फिटिंग कपड़े पहनोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एक कॉन्फिडेंस होता है जो आपके बातों में भी झलकती है, बातों से ही लोग जज करते हैं कि इस बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और ये बंदा कैसा है। अगर दोस्तों कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियो चाहते हो कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है आपके लिए और ऐसे ही कॉन्टेंट लाता रहूंगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय श्री राम, गुड बाय।